दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में है। आज रामनवमी के दिन मुख्यमंत्री के दौरे का तीसरा दिन है। ऐसे में सीएम ने यहां कन्या पूजन किया। इस क्रम में मुख्यमंत्री ने जंगल कौड़िया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मेले का शुभारंभ किया। जन आरोग्य मेला का शुभारंभ होने से एक ही स्थान पर लोगों को डॉक्टर, डायग्नोस्टिक एवं दवाइयों की सुविधाएं मिलेंगी। दरअसल कोरोना महामारी के कारण जनवरी माह से आरोग्य मेला स्थगित कर दिया गया था। तभी नागरिकों को स्वास्थ्य की सुविधाएं उनके घर के पास आसानी से उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 अप्रैल सन 2020 को प्रदेश में आरोग्य मेले का शुभारंभ किया था। और इस मेले के शुभारंभ से आम जनता एक ही स्थान पर निशुल्क चिकित्सीय परामर्श, जांच व दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। 2020 में जनवरी माह से हम लोगों ने पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रारंभ किया था। और जब ये योजना प्रारंभ की थी, इसके पीछे का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, बिना किसी भेदभाव के हर एक व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो सके। यद्यपि उससे पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से, उनकी अनुकंपा से पूरे देश के अंदर आयुष्मान भारत योजना लागू हो चुकी थी, और आयुष्मान भारत योजना में गोल्डन कार्ड बनाने और हर जरूरतमंद व्यक्ति को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का गोल्डन कार्ड उपलब्ध कर